हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, एसबीआई क्लेरिकल प्लिम्स एग्जाम आप में से काफ़ी सारे एस्पिरेंट दे चुके हैं। कुछ लोगों ने अपने अपने मैसेज दिए कि सर मेंस के लिए बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, रिजल्ट कब तक आएगा और सारी चीज़ें किस तरीके से मैनेज करनी है। मैं आपको देखो दोस्तों, दो तीन चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट ये है कि अगर आप बहुत ईमानदारी से पेपर को बनाकर आए थे प्रीलिम्स को और आपने वहाँ पर तुक्के गैस वगैरह नहीं लगाए हैं, तो मेरा वोट आपके लिए यही होगा कि आप आगे मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करें और बिल्कुल जोरों शोरों से आप सभी को करनी चाहिए। देखो क्या है कि रिजल्ट तो आना श्योर है। आपको पता है कि अभी 28-29 में कुछ लोगों के एग्जामिनेशन बचे थे, वो हो जाएंगे विद इन 1 वीक, 8-10 दिनों में रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट आएगा आपकी मेंस की डेट आ जाएगी, टाइम काफ़ी कम मिलेगा। यहाँ पर प्लस पॉइंट आपके पास ये रहेगा कि आप अगर मेंस लेवल के मॉक टेस्ट बना रहे हो, DI पजल्स बना रहे हो, पेपर में सर्वाइव करने के लिए आपको क्वेश्चंस तो बनाने पड़ेंगे। तो पहले अपने अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आओ कि मेरा पेपर अच्छा हुआ था। आप खुद अपने आप को जान सकते हो, कोई दूसरा आपके बारे में नहीं बता सकता कि यार तुम्हारा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। देखो क्या होता है कि हम जो पेपर में कर कर आते हैं ना, हमें हर एक चीज़ का अंदाज़ा होता है। कई एक ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही नाम मात्र के कि जिनका तुक्केबाजी से पेपर क्वालिफाई हो जाए, लेकिन आज के समय में ये चीज़ दोस्तों एक तरीके से इम्पॉसिबल हो गई है। तो पहले आप इतना सोचें कि आप जो भी पेपर प्रीलिम्स का बनाकर आए हो, वो आपको पता है कि आपने कैसा पेपर बनाया, और उसके बाद आपको खुद जज कर लेना चाहिए कि मैं मेंस देने वाला हूं, और आपको टाइम बिल्कुल भी इधर उधर रिजल्ट में तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। रिजल्ट ऑब्वियसली आ जाएगा। कैसे स्टार्ट करना है? सबसे सिंपल है कि अपनी एबिलिटी को चेक करो, मेंस लेवल का पहले मॉक टेस्ट स्टार्ट देना करो, और जैसे ही आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे आपको खुद पता लगेगा कि कौन कौन सा आपका एरिया वीक है और मुझे किस किस लेवल के क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे। मैं आपको यही कहूंगा कि आप ऑलिव बोर्ड का फ्री टेस्ट से स्टार्ट कर लो, उसमें कोई भी आपको ऐसा वैसा नहीं है, आपको सिंपल जाना है, साइन इन करना है। डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दे दूंगा, वो फ्री टेस्ट है, कंप्लीटली फ्री है। आप उस मेंस टेस्ट को बनाओ, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कितने DI, कितने पजल्स हैं और लेवल कैसा है। ऑब्वियसली लेवल बहुत अच्छा है। कई लोगों ने मुझे भी कहा कि सर 1-2 क्वेश्चन ही बन रहे हैं क्वांट में, क्या करें आगे। तो देखो दोस्तों, ये चीज़ें हैं कि आपको वहाँ पर टिकना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि पेपर में हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो बहुत सारे टफ होंगे। अब उन टफ क्वेश्चंस में से टाइम देना होगा किसी एक क्वेश्चन को, तो वो आपका क्रैक हो जाएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही क्वेश्चंस की हम उम्मीद आगे फर्दर कर सकते हैं। तो बिल्कुल निराश मत हो, रिजल्ट के बारे में ज़्यादा चिंता मत करो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैंने अच्छी प्रिपरेशन की थी प्रीलिम्स में और मेरा पेपर बढ़िया हुआ है, तो आप फर्दर बिल्कुल मेंस के लिए जाएं, आपको मौका मिलेगा। और आप आगे जो भी प्रीलिम्स के और भी एग्जाम्स हैं, लाइक IBPS क्लेरिकल है, IBPS PO है, और अभी आपने देखा NICL AO का भी है, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स पाइपलाइन में हैं, तो इनको माइंड में सेट करो और इनके ऊपर फोकस करना स्टार्ट रखो साथ में।